हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ साइंस पार्ट वन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। चैप्टर फोर, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। सो चैप्टर सबसे पहले शुरू करने से पहले हम कुछ नाइन्थ स्टैंडर्ड का भी रिविजन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो हमें समझना चाहिए। ओके, सो बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल स्टेटमेंट में हम इलेक्ट्रिक करंट को बोल देंगे इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, लेकिन हमें कितने चार्ज मालूम है? तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से हमें सिर्फ तीन चार्ज मालूम है। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज, और एक होता है नो चार्ज, जिसको चार्ज ही नहीं होता, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। तो जो चार्ज पॉजिटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। ओके, जो चार्ज नेगेटिव होते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जिसका कोई चार्ज ही नहीं होता, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जो न्यूट्रल हो जाता है, ओके, तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रल चार्ज। ओके, सो प्रोटॉन एज अ पी पॉजिटिव हमने इंडिकेट किया था, इलेक्ट्रॉन्स एज अ ई नेगेटिव और न्यूट्रॉन्स एज द एन जीरो। और ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स के, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ पर अवेलेबल है? न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन्स होता है और नो चार्ज वाला न्यूट्रॉन्स होता है। और उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स होते हैं, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, ओके, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था डिटेल में। तो ऑर्बिट में जो रोटेटिंग्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से हम दिखाते हैं, लाइक दैट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ओनली द इलेक्ट्रॉन्स, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स इज फ्री। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन फ्री है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री है, जिसे हम ई नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज, तो प्रोटॉन फ्लो होने वाले हैं? नहीं। न्यूट्रॉन फ्लो होने वाले? नहीं, बिकॉज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्लोजली बॉन्डेड इन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे को क्या है, स्ट्रांगली बाइंडिंग हो चुके हैं। तो अभी बाद में रिमेनिंग कौन है? तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे यहाँ पर फ्री है। ओके, सो द फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोल देंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री होते हैं इसलिए हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज और मॉडिफाइड कर देंगे और में इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स है वहां पर सब तरफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। बट जैसे कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो रैंडम्स डायरेक्शन है। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, लाइटर्स कोई भी एक दिशा में या फिर एक डायरेक्शंस में नहीं जा रहे हैं। ओके, दे आर रैंडमली अवेलेबल्स इन द ऑल सराउंडिंग मैटर्स। हमारे आजू बाजू में जो भी आपको दिखता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल्स हैं। ओके, तो जब हम यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तब एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्लो होना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो सबके सब क्या हो शुरू हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कब? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब। तो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज, या फिर उसे बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है, एक हायर पोटेंशियल है दूसरा
नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर मैंने हायर और लोअर कर दिया, इसलिए ये डायरेक्शंस पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होकर, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तब हम उसे बोलते हैं करंट। लेकिन करंट की डेफिनेशंस अगर मैथमेटिकल में हम देखते हैं, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई, सो इट्स अ डेविएशन ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम्स, इट्स अ dQ बाय dt। या फिर आप इसे इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, आई इज नथिंग बट क्यू डिवाइडेड बाय टी, लाइक दैट्स। ओके, सो कितने चार्ज कितने टाइम में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट एक पर्टिकुलर जगह से कितने इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो हुए हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसके बाद में जो करंट है वो करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर में। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो यहाँ पर देखो, 1 एम्पियर हम कब कहते हैं, जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, अभी कौन से चार्ज है ये बताना नहीं पड़ेगा, इट्स ऑलवेज अ नेगेटिव चार्ज। सो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकंड्स। कितने सेकंड में फ्लो है, 1 सेकंड्स में। अगर 1 कूलम्ब चार्ज एक पर्टिकुलर जगह से अगर फ्लो होते, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रेन रख दिया, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं काउंट करूँगा। सो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज अगर इस जगह से 1 सेकंड में अगर फ्लो होते हैं, तो तब मैं बोलूँगा कि मेरा 1 एम्पियर करंट इस यहाँ इस जगह से क्या हुआ है, फ्लो हुआ है या फिर सर्कुलेट हुआ है। सो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द 1 कूलम्ब चार्ज इन 1 सेकंड्स आर सर्कुलेटेड इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ लोकेशन बोल दिए, या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आप बोल दीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम में इतने कूलम ऑफ चार्ज वहां से फ्लो हो चुके। इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने वोल्टेज बता दिया, इट्स अ 10 वोल्ट। ओके, इट्स अ 10 वोल्ट, यूनिट इज द वोल्ट। सो 10 वोल्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्ट, तो वो भी आपको समझना होगा। तो जैसे करंट क्या होता है, चार्ज कितने टाइम में फ्लो सर्कुलेट हो रहे हैं, वहाँ से फ्लो हो रहे हैं, उसे हम बोल देंगे करंट्स। ओके, तो उसी तरह से वोल्टेज जो होता है, वो वोल्टेज होता है वर्क डन बाय ईच चार्ज। चार्ज को हम यहाँ पर कूलम्ब लिख देंगे, वर्क डन बाय इज चार्ज, चार्ज कर देंगे इज चार्ज, यानी कि वी इज नथिंग बट व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज देयर बाय पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, सो वी इज नथिंग बट dW बाय, यानी कि वर्क डन dW, यानी कि W स्टैंड फॉर वर्क डन और Q स्टैंड फॉर यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, जो कि कूलम में हम मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि V, जैसे यहाँ पर कर दिया डेविएशन, अगर स्टैटिक है तो यहाँ पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि यहाँ पर जो एक चार्ज है, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर 3 और ये 3 6 चार्ज है। इस पर्टिकुलर चार्ज की अगर मैं बात करूँ, इस पर्टिकुलर एक चार्ज ने कितना वर्क डन वहाँ पर किया है, उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में वोल्टेज। ओके, सो वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट, यूनिट का मतलब हो जाएगा सिंगुलर। तो पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन वहां पर हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज। ओके, अगर मैं 10 वोल्ट बोल देता हूं तो 10 जूल ऑफ एनर्जी कैन बी डन बाय पर यूनिट चार्ज, यानी कि हर एक चार्ज 10 जूल इतना एनर्जी का वर्क डन वहां पर कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द 10 वोल्ट। अगर मैं यहां पर बोल दूं 10 वोल्ट, सो व्हाट इज द मीनिंग, इट्स अ 10 जूल ऑफ एनर्जी कैन बी डन by each amount of charge, हर एक चार्ज कितना काम कर रहा है वहां पर, 10 जूल इतना काम वहां पर कर रहा है। ओके, तो करंट हो गया Q/T, वोल्टेज हो गया वर्क डन बाय क्यू। ओके, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्वांटिटी, जो सबसे पहले हमने स्टडी की है, वोल्टेज और करंट। यहाँ पर वोल्टेज भी लिख देता हूँ, इट्स अ डब्ल्यू बाय क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
इलेक्ट्रिक पावर जो कि कैपिटल पी में हम इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज कैपिटल वी में हम इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई में इंडिकेट करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक पावर हम मेजर करते हैं यूनिट वाट में। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दोनों का प्रोडक्ट मिला के जो भी मिलेगा इन दोनों का, वोल्टेज और करंट, इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और करंट क्या है? सो करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम से, तो यहाँ पर चार चार्ज तो खत्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम्स, यानी कि कितने टाइम में कितना काम हो रहा है। अभी हमें 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि वर्क डन, तो वर्क डन कब होता है? तो वर्क कब होता है? जब एनर्जी होती है। तो जहां जहां मैं वर्क डन आपको बोल रहा हूँ वहां आपको एनर्जी भी कंसिडर करना है। सो एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इसे हम वर्क डन को बोल देंगे एनर्जी, क्योंकि वर्क डन करने के लिए, यानी कि कुछ भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। सो वर्क डन इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी, सो वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, और टी इज नथिंग बट द टाइम्स, और ये क्या था? इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर हमें मिल रहा है, इट्स अ पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके, तो ये समझ में आ गया, पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम्स, पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम्स। ओके, तो ये तीनों क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इन ऑर्डर टू स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। द 4th चैप्टर इज नथिंग बट द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ओके, तो यहाँ पर